नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के पराक्रमी सम्राट राजा पोरस या राजा पुरुवास की, जिनका जन्म सिंध प्रांत पंजाब में सूरसेन वंश में हुआ था। ये पुरुवंशी थे। पुरुवंशियों का संबंध महाभारत के काल से मिलता है। पुरुवंशी चंद्रवंशी थे तो राजा पोरस भी चंद्रवंशी थे, और वहीं यदुवंशी जो कि यादव हैं, जो कि आज भी देश भारत में है। तो पोरस राजा बमनी और अनसुईया के बेटे थे, जिनकी पत्नी का नाम लची था। गांधार का राजा आम्बी पोरस का मामा था, जिनका साम्राज्य झेलम नदी से चिनाब नदी तक फैला हुआ था। बता दें कि झेलम नदी और चिनाब नदी वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब दोनों में है। राजा पोरस की शायर की रचना बहुत अद्भुत थी। उनकी ऊंचाई 7.5 फीट थी। वह बहुत ही सुंदर थे। वह गोर वर्ण के थे। एक कुशल राजा होने के साथ ही वे अपने राज्य के प्राकृतिक और भौगोलिक जानकार थे। राजा पोरस का समय कार्यकाल 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईसा पूर्व मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के थे पोरस। राजा पोरस को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सिकंदर से युद्ध लड़ा था। सिकंदर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जो उसने एक भी युद्ध नहीं हारा, पर सिकंदर को पोरस के हाथों हार झेलनी पड़ी। कैसे, वो इस वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे, जिसे बैटल ऑफ हाइड्रेसिस के भी नाम से जाना जाता है। हाइड्रेसिस झेलम नदी का ग्रीक नाम है। यह वही सिकंदर है जो कि संपूर्ण विश्व को जीतने के उद्देश्य से भारत आया था। कई राजाओं को अपने अधीन करने के बाद वह सिंधु प्रांत की अग्रसर हुआ था, जो कि वर्तमान में लाहौर में पाकिस्तान में स्थित है। राजा पोरस की बहादुरी और वीरता के बारे में अलेक्जेंडर सिकंदर को पहले से ही पता था। राजा पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथियों का बल था। उनको खोकरों का भी समर्थन था। खोकर वही हैं जिन्होंने राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए उसने राजा पोरस को संधि प्रस्ताव भेजा, जिसे राजा पोरस ने अस्वीकार कर दिया। राजा पोरस के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। सिकंदर ने राजा पोरस के शत्रु आम्बी को अपनी सेना में लाकर झेलम नदी पार की और युद्ध के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि झेलम को पार किए बगैर सम्राट पोरस के राज्य में दाखिल होना नामुमकिन था। आम्बी गांधार के राजा थे। बता दें गांधार का नाम अभी गांधार है, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में है, और पोरस को अपना दुश्मन समझते थे। इसलिए उन्होंने सिकंदर से संधि कर उसकी सहायता की। उसके बाद भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर को पोरस के पराक्रम का एहसास हो गया। पोरस की सेना के पास बलशाली गज सेना के साथ अद्भुत हथियार भी सम्मिलित थे, जिसमें एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों को, एक घुड़सवार सैनिकों को मार सकते थे। युद्ध में पोरस की सेना के कई सैनिक घायल हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। राजा पोरस के भाई अमर ने अपने युद्ध कौशल से सिकंदर के घोड़े बक के पाली को बद्ध कर दिया। सिकंदर को युद्ध भूमि पर गिरा दिया। सिकंदर अपनी मृत्यु से थोड़ी ही दूर था। पोरस के हाथों की तलवार में वह अपनी मृत्यु देख चुका था, तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से ले गए। ये सिकंदर का एकलौता और यह अंतिम युद्ध। सिकंदर की मृत्यु समुद्री मार्ग से जाते समय बीच बेबीलोन में हुई। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर के सेनापति युद्धोमोस ने ही राजा पोरस की हत्या की थी, परंतु इस बात के कोई पुख्ता स्रोत नहीं है। एक मत तो यह भी है कि आचार्य चाणक्य ने ही पोरस की हत्या करवाई थी। बता दें कि आपको आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का काल भी था उस टाइम, जिस समय पोरस का काल था। पर पोरस बहुत ही शक्तिशाली थे, चंद्रगुप्त से बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही शारीरिक दृष्टि से बहुत ही तगड़े थे और बहुत धनी रिच मतलब अमीर थे। तो इस चक्कर में यह चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने हत्या करवाई, परंतु ये कितना झूठ है, कितना सत्य है, ये अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, ये पता नहीं है ये। तो बता दें कि आपको ये थी पोरस की जीवन परिचय। पोरस को सिर्फ लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि पोरस ने सिकंदर को युद्ध में लड़ाया था। वो सिकंदर जिसे कोई हरा नहीं पाया, और जिनको राजा पोरस ने, जो कि भारत के महान राजा थे, उन्होंने हरा दिया था। बताते कि आपको पोरस का उपनाम पुरु और पुरुषोत्तम था। जन्म इनका ज्ञात नहीं है, यह अभी तक किसी को पता नहीं है, तो हम झूठी जानकारी आपको नहीं दे सकते। जन्म स्थान पंजाब था और इनकी मृत्यु भी पंजाब में हुई थी। और इन्होंने 326 ईसा पूर्व से लेकर 317 ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट तक इन्होंने राज किया। सिकंदर युद्ध के लिए प्रसिद्ध हुए और इनकी मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच में हुई। मृत्यु स्थान पंजाब था।
बता देंगे आपको, इन्होंने 25 साल तक राज्य किया और 13 साल के बीच में इन्होंने कई बार युद्ध लड़े और जीते भी, एक चंद्रवंशी राजा थे। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पुरुष के बारे में इतनी जानकारी मिलती है इतिहास में। धन्यवाद।